राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े। बीजेपी खुश है और कांग्रेस परेशान। कांग्रेस के परेशानी की वजह यह है कि आखिर राज्यसभा में 83 सदस्यों वाली बीजेपी उसके सहयोगियों की कुल संख्या 106 के आसपास ही होनी चाहिए, लेकिन उसे 125 वोट कैसे मिले? वोटों के इसी गणित में कांग्रेस उलझी है। उसे इस बात का अंदेशा है कि आर्टिकल 370 की तरह फिर उसके कुछ सांसदों ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर सरकार के पक्ष में मतदान तो नहीं किया। कांग्रेस की ये आशंका बेमतलब भी नहीं है। माना जा रहा है कि बीजेपी के रणनीतिकारों ने एक बार फिर कांग्रेस के गढ़ में बड़ी सेंध मारी की है। सवाल कांग्रेस के चार सांसदों पर उठ रहे हैं, क्योंकि ये साफ है कि बिना कांग्रेस के चार सांसदों के बिल के पक्ष में 125 वोट मिल ही नहीं सकते थे। कायदे से विपक्ष को 109 वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले सिर्फ 99। पक्ष विपक्ष मिलाकर कुल 16 सदस्य गैर हाजिर रहे। इसमें बीजेपी के अनिल बलूनी और आसनबद्ध सदस्य अमर सिंह भी हैं। एनसीपी के माजिद मेमन, वंदना कुमारी के नहीं होने की सूचना पहले से थी। टीएमसी के डी सिंह पहले भी गायब होकर सरकार की मदद करते रहे हैं और यही इस बार भी किया। एसपी के बेनी प्रसाद वर्मा छुट्टी पर चले गए। अब बचे 10 सदस्य, तो इनमें 3 शिवसेना के हैं। सवाल बाकी 7 सदस्यों को लेकर है। माना जा रहा है कि इसमें से 4 सदस्य कांग्रेस के हैं। बीजेपी राज्यसभा में कर्नाटक का फॉर्मूला अपनाकर विपक्षी सांसदों को इस्तीफा दिलवाती है और फिर उन्हें अपने कोटे से सदस्य के रूप में चुनाव कर भेज देती है। आर्टिकल 370 को लेकर भी यही हुआ था। तब कांग्रेस के चीफ व्हिप भुवनेश्वर कालित ने इस्तीफा दे दिया था। मोदी के पहले कार्यकाल में राज्यसभा में सरकार के बिलों को खूब अटकाया गया था, लेकिन दूसरे कार्यकाल में बीजेपी ने उसका दूसरा और सफल रास्ता निकाल लिया है। इसी वजह से सरकार के बड़े बिल विरोधों के बावजूद राज्यसभा में आसानी से पारित हो रहे हैं।